कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। आप लोग कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ आप लोग घर में सुरक्षित होंगे, है ना। तो हम लोग कौन सी कहानी पढ़ रहे थे बच्चों? किस्मत का खेल पढ़ रहे थे ना। तो चलिए इसके आगे की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। तो तब तक हम लोग क्या पढ़े थे? वो अपने चाचा जी के पास मेरठ जाता है ना। मेरठ जाने के बाद वो मेले में जाता है, ईद का उत्सव रहता है, इसी उत्सव के कारण वो अपने चाचा जी के पास जाता है और ईद मनाने के लिए वो मेले में घूमने जाता है। किसके साथ? अपने चाचा जी के साथ और अपने नौकर शकील के साथ, है ना। तो आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए बच्चों और शुरू कीजिए मेरे साथ। मैं और शकील मेले में घूमने लगे। तो कौन था शकील? शकील उनका नौकर था ना बच्चों। वहां दुकान में तरह तरह की सुंदर चीजें सजी हुई थी। तो दुकान कितनी अच्छे से सजी हुई थी, तरह तरह चीजें से, रंगीन बिरंगी चीजों से सजी हुई थी। मैं उनमें से कई चीजें खरीदना चाहता था पर मुझे चाचा जी ने लौटने तक प्रतीक्षा करनी ही थी। फिर हम घूमते घूमते उस दुकान पर पहुंचे, है ना। तो उनके चाचा जी जब जा रहे थे, उनके जो करीबी मित्र मिल गए थे, तो उनके चाचा जी ने बताया ना कि जब तक मैं ना आऊँ तुम कुछ मत खरीदना और जहाँ वो वहीं रहना शकील के साथ। उसके बाद क्या हुआ? जहाँ भाग्य का, फिर वह हम घूमते घूमते उस दुकान पर पहुंचे जहाँ भाग्य का खेल चल रहा है। अब हम लोग उस मोड़ पर आ रहे हैं बच्चों जहाँ पे हम लोग शीर्षक से परिचित हो रहे हैं, जहाँ पे शीर्षक किस प्रकार नाम दिया गया है, किस्मत का खेल। तो यह जो खेल खेले जा रहा है इसी को केंद्र में रखकर नाम दिया गया है। तो चलिए वहाँ देखते हैं हम लोग। दुकानदार सभी से अपना भाग्य आजमाने के लिए कह रहा था। दुकान क्या कह रहा था? दुकानदार जो था वो क्या कह रहा था? सबको अपना भाग्य आजमाने के लिए कह रहा था। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि आओ आओ अपनी किस्मत आजमाओ। तो इससे कोई भी प्रभावित हो जाएगा, मैं रहूं या आप, है ना बच्चों। तो वो भी बच्चा बहुत उत्सुक हो गया कि वहाँ क्या है, किस्मत से मिलता जुलता क्या मिलने वाला है वहाँ पे। तो हम जाके वहाँ देखते हैं। हम और शकील उस दुकानदार की ओर देखने लगे। उसने हमें पास खिलाकर खेल के बारे में समझाया। तो जब वो पास में गया तो उसे खेल के बारे में बताता है कि क्या होने वाला है। देखो यह इनाम की 25 चीजें रखी है। तो इनाम के लिए कितने चीजें रखी गई है बच्चों? 25 चीजें रखी गई है। इन पर हम 1 से लेकर 25 तक नंबर पड़े हैं। तो जो 25 चीजें रखी गई है, एक के बाद एक एक नंबर लिखा गया है, 1, 2, 3 इस प्रकार से। यहाँ पर इस पर उल्टी तश्तरिया रखी गई है। उल्टी तश्तरिया कहने का अर्थ है उल्टी प्लेट। प्लेट को उल्टा रख दिया गया ताकि जो अंदर जो सामान है वो ना दिखे, ताकि इन पर लिखा नंबर दिखाई ना दे और नंबर भी दिखाई ना दे। आपको 10 रुपए में 6 तश्तरिया उठानी है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि वो 10 रुपए में 6 मिलने वाला है, जिसे वो किस्मत आजमाने वाला है। फिर इन नंबरों को जोड़ना है। उनके जोड़ में जो संख्या बनेगी उसी संख्या का इनाम आपको मिलेगा। तो जिस नंबर में जाएगा उसे जोड़कर वह इनाम मिलने वाला है। मुझे किस्मत का यह खेल अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा क्यों ना खेलकर कोई बड़ा इनाम जीत लिया जाए। दुकानदार ने मेरी मंशा भाप ली। तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहानी में बता दिया है ना बच्चों की दुकानदार समझ जाता है कि यह बच्चा बहुत उत्सुक है खेलने के लिए। अगर आप किसी से बात करते हैं, अगर आप उसे प्रभावित है, तो बगल वाले को यह अनुभव हो ही जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। यहाँ दुकानदार क्या होता है वो समझ जाता है, तो वह षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है। हाँ, तो हर खिलाड़ी को कोई ना कोई इनाम जरूर मिलेगा। इसके कहने का माध्यम यह है कि तुम यहाँ आए हो तो तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। इनाम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो कोई मोटा इनाम आपके हाथ लग जाएगा। यह किस्मत का खेल है, अपनी किस्मत आजमाओ। तो बच्चा उत्सुक बहुत हो जाता है कि हाँ मैं यहाँ खेलूंगा, हारूंगा तो बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ तो लेकर यहाँ से जाऊंगा। तभी वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने दुकानदार को 10 रुपए देकर किस्मत आजमाई और 6 दस्तरिया उठाई। उसने दस्तरिया के नंबर जोड़े तो कुल योग 14 बैठा। उसे 14 नंबर का इनाम मिला। बढ़िया दीवार खड़ी हुई। वृद्ध उसे लेना नहीं चाहता था। दुकानदार ने उसे 100 रुपए में वापस खरीद लिया। वृद्ध खुश होकर चला गया। तो यहाँ देखिए दुकानदार ने अपना पहला षड्यंत्र रचा जहाँ पे वो वृद्ध को 100 रुपए देकर किस प्रकार प्रसन्न कर रहा। और वृद्ध को ही प्रसन्न नहीं कर रहा, वो बच्चे को प्रसन्न कर रहा है कि तुम यहाँ आए हो, अगर तुम्हें कुछ नहीं लेना है तो मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, है ना। ये वृद्ध इसके द्वारा ही बुलाया गया कोई आदमी रहता है ना, तो आप लोग इसको समझिएगा। इसके बाद एक लड़का ने अपना भाग्य आजमाया। वह लड़का उनसे कुछ ही बड़ा था। उसने भी 10 रुपए दुकानदार को दिए और 6 दस्तरिया उठाया। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वृद्ध के बाद एक लड़का आता है। नंबर जोड़े तो 9 निकला, उसे एक कंघा मिला। दुकानदार
लड़के से कंघा खरीदी। लड़के ने एक बार फिर भाग्य आजमाया, इस पर उसे 30 रुपए का पेन मिला। तो 10 रुपए में अगर 30 रुपए का पेन मिले तो कौन नहीं लेना चाहेगा बच्चों, है ना। तो उसके बाद इसे पेन मिला। लड़के ने फिर तीसरी बार प्रयास किया तो उसे 60 रुपए की बॉल मिली। बॉल लेकर तो बच्चे ऐसे ही खुश हो जाते हैं। चौथी बार उसे 250 रुपए का टेबल लैंप मिला। लड़का अत्यधिक प्रसन्न होकर चला गया। तो जितने सारे बिंदु हम लोग देख रहे हैं ये सारे प्रलोभन दे रहा है वो दुकानदार, है ना बच्चों। तो इस प्रकार आप लोग पढ़िएगा, मैंने आप लोगों को इतना समझा दिया। चलिए आगे पेज पलटिए, आप लोग देखिए। अब मुझसे रहा न गया, मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहता था। इतने सारे मतलब कार्य वो देख रहा है कि सबको घड़ी मिल रही है, बॉल मिल रहा है, पेंसिल मिल रहा है, है ना। बहुत कुछ सामान मिल रही है, जो लेना नहीं चाह रहा उसे पैसे भी वो दुकानदार दे देता है। तो उसने सोचा कि अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो पैसे तो अवश्य मिलेंगे, नहीं लेकर तो जरूर जाऊंगा। इससे और वो प्रभावित हो जाता है, है ना बच्चों। मैंने शकील की ओर देखा, उसने हाँ कर दी। तो जो नौकर था उसने हामी भर दी। अगर चाचा जी होते तो कभी हामी नहीं भरते, है ना। मैंने 10 रुपए में 6 दस्तरिया उठा ली। मेरा भाग्य बहुत अच्छा नहीं था, मुझे 2 पेंसिल मिली। तो उसे क्या मिला, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। वो बस प्रलोभन के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें रख दिया, जैसे गेंद रख दिया, दीवार घड़ी रख दिया, है ना। तो उसे पेंसिल मिला। दुकानदार ने उससे पेंसिल 4 रुपए में खरीद ली। तो दुकानदार क्या किया, उसे 4 रुपए में पेंसिल खरीद ली। मैंने फिर प्रयास किया, इस बार मुझे एक पेंसिल बॉक्स मिला, वह भी सस्ता ही था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ रहे हैं कि किस प्रकार में बच्चा फंसता जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, दुकानदार ने मुझसे 6 ही रुपए में खरीद लिया। मैंने तीसरी बार दस्तरिया उठाई। उसके बाद तीसरी बार जब वो उठाता है तो देखते हैं क्या होता है। किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। मुझे बड़ी आशा थी कि इस बार कोई ना बड़ा इनाम जरूर नहीं निकलेगा, पर छोटी चीज ही मिल रही थी, उसे तो मिलना ही था ना बच्चों। मैंने बार बार 10 रुपए देकर किस्मत आजमाई, पर हर बार मुझे छोटी चीज ही मिली। अंत में मेरे पास 5 रुपए ही बचे। तो अंत में क्या होता है बच्चों, उसके पास 5 रुपए ही बचता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या समझेंगे, जब भी हम लोग मेले में जाएंगे बड़ों से पूछे बिना हम लोग कुछ नहीं खरीदेंगे, कुछ नहीं खेलेंगे। यहाँ पे बस उसे प्रलोभन दिया जा रहा था, उसे किसी को कुछ नहीं मिला था, बस उसे इस प्रकार प्रलोभन देकर उस बच्चे को फंसाया गया। क्योंकि उसके पिता नहीं थे वहाँ पे, कोई उसे कोई बड़ा उसे समझाने वाला नहीं था, है ना बच्चों। तो आप लोग इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तो आप लोग अगर मेले में जाइएगा तो इस प्रकार की हरकतें आप लोग नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे की कक्षा में हम लोग यह पाठ करेंगे। बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको पढ़ेंगे और आप लोग समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।